हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आफ्टर एमएससी व्हाट, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको आफ्टर एमएससी क्या करना चाहिए, तो इस कंफ्यूजन का आंसर आज मैं आपको देना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया है कि आफ्टर एमएससी व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। और आप लोग हो चुके हो कंफ्यूज, आपको नहीं पता है कि अब आप एमएससी के बाद क्या करोगे। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब तक हम पढ़ रहे होते हैं हमको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें। क्योंकि अभी तक तो हम अपने रिलेटिव्स में या हम अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को ये बोल देते हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बोल देते हैं कि हम जस्ट स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब आपने एमएससी भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपसे लोग पूछेंगे कि अब आप क्या कर रहे हो, तो उसका आंसर अब आपके पास नहीं होता है, ठीक है। आपके पास खुद भी नहीं होता है कि आप एमएससी के बाद अब क्या करोगे। तो इसी आंसर को आज मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है, कि अब आप लोग एमएससी के बाद क्या करोगे। तो चलिए फिर, तो फ्रेंड देखो कि आफ्टर एमएससी आपके पास यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। और ये उनके लिए भी है जो अभी बीएससी कर रहे हैं, जो बीएससी थर्ड ईयर में है, और वो ये सोच रहे हैं कि एमएससी के बाद करियर क्या होता है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है कि वो एमएससी करें या ना करें। तो ये दोनों के लिए ही है, जिसकी एमएससी हो चुकी है ये उसके लिए भी है, और जो बीएससी थर्ड ईयर कर रहा है और एमएससी करना चाहता है लेकिन वो डाउट में है कि वो एमएससी करे तो क्यों करे, और उसको एमएससी करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये उन दोनों को ही यहाँ पर आपस में जोड़ता है, जिनकी एमएससी हो चुकी है या जो एमएससी में आने वाले हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आफ्टर एमएससी वो भी क्या करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पास आफ्टर एमएससी आपके पास दो करियर ऑप्शंस हैं, या तो आप अकेडमिक्स में जा सकते हो या आप जॉब्स में जा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये हमारी हो चुकी है एमएससी। यहाँ पे हमने एमएससी को कंप्लीट कर लिया है या बीएससी वाले एमएससी कर रहे हैं, ठीक है। अब एमएससी के बाद आपके पास दो करियर अपॉर्चुनिटी आती हैं, एक है आपकी अकेडमिक्स और एक है आपकी यहाँ पर जॉब्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकेडमिक्स की। आप आगे भी अकेडमिक्स को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, किस फॉर्म में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप लोग यहाँ पर अकेडमिक्स में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे एमटेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपकी होती है पीएचडी और दूसरा आपके पास हो सकता है यहाँ पे सपोज करो एमटेक, ठीक है। आप यहाँ पर एमटेक भी कर सकते हो। तो अगर आपको सपोज करो एमएससी के बाद एमटेक करना है, जैसे मान लीजिए आप एमएससी केमिस्ट्री से हो या एमएससी मैथ से हो या एमएससी फिजिक्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने एमएससी कर रखा है, तो आप गेट दे के, हमारा एक एग्जाम होता है गेट, तो आप गेट देकर यहाँ पर अपना एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। या आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। पीएचडी के लिए क्या होता है कि बहुत सारे नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं, जैसे कि हमारा सीएसआईआर का पेपर हो गया है, हमारा टिफर का एग्जाम हो चुका है और हमारा जेट्स का एग्जाम है। तो कुछ एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करके आप यहाँ पर पीएचडी में एनरोल करा सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज भी, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे कि आपका यहाँ पे सपोज करो एमजेपी रुहेलखंड है या आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, मतलब जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस निकालती हैं, और वहां से भी आप इनमें पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हो। तो एक करियर ऑप्शंस तो आपके पास है कि आप एमएससी के बाद या तो आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो या पीएचडी में या आप किसी रिसर्च वर्क में जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया है इनके लिए। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो पीएचडी प्रोग्राम या कोई हमारा एमटेक प्रोग्राम को वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होते हैं कुछ लोगों के घर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको बिल्कुल जॉब की नीड होती है,
ठीक है, तो वो यहाँ पे सोचते हैं कि 5 साल में पीएचडी करूंगा, इससे अच्छा मैं कोई एक अच्छी जॉब पकड़ लेता हूँ और उससे कुछ अर्निंग करके अपनी फैमिली को हेल्प कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ चीजें हैं, तो वहां पर आप देख सकते हो कि आप जॉब्स में भी जा सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो आप जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो और आप रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, तो मैं आपको 100% बोलूंगा कि आप फिर पहले पीएचडी करो या एमटेक करो और फिर आप आगे जॉब के बारे में सोचो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मतलब आपका स्टाइफंड होता है, एमटेक में भी आपका स्टाइफंड होता है, तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आप एक अच्छी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप सपोज करो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पीएचडी करने में, एमटेक करने में, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ जॉब्स भी हैं। तो हम यहाँ पे जॉब्स को देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे मिल सकती हैं आफ्टर एमएससी। तो सबसे पहली जॉब्स होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, बस आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सीएसआईआर नेट के थ्रू जो आपका एग्जाम होता है उसको आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। मींस अगर आप यहाँ पर नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। या जो आपके स्टेट लेवल पे जो भी आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि स्टेट जिनको हम बोलते हैं सेट का एग्जाम, जैसे आपका यहाँ पर जेके सेट हो गया, जम्मू कश्मीर सेट, एमएस सेट, आपका यू सेट से मेरा मतलब है उत्तराखंड सेट, और बहुत यहाँ पे सेट के एग्जाम होते हैं जो अलग अलग स्टेट के यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो उनको कंडक्ट कराती है, जो उनकी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पर हैं। और अगर आपका सपोज करो सेट भी क्लियर है, नेट भी क्लियर है और आप एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो, तो जब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी निकालती है ना फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप वहां पर भी अप्लाई करके अपना एक गवर्नमेंट जॉब पक्का कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है। दूसरी, आप यहाँ पे साइंटिस्ट लेवल में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपका इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसमें भी जाके अप्लाई कर सकते हो, अगर आप जस्ट पीएचडी एमएससी के बाद, ठीक है, इनमें भी अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपकी कुछ अदर्स जॉब्स भी होती हैं। अदर जॉब से मेरा मतलब है कि आपकी रेलवेज हो गई, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मतलब बहुत तरह की यहाँ पे अदर्स जॉब्स भी आपको मिलती हैं। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अब आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई है, अब आप क्या करोगे। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर है कि अगर आपने एमएससी कर रखा है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स से कर रखा हो, केमिकल साइंस से कर रखा हो, लाइफ साइंस से कर रखा हो, या आपने फिजिकल साइंस से कर रखा हो, ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आपके पास दो बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ पे एकेडमिक्स में जा सकते हो या आप फ्रेंड्स जॉब्स में जा सकते हो, ठीक है। अगर आप एकेडमिक्स में जा सकते हो तो एमटेक और पीएचडी आपका वेट कर रहा है, और अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो जॉब ओरिएंटेड अगर आप सोचते हो तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, साइंटिस्ट हो गए और आपकी अदर्स जॉब्स हो गई। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अदर्स जॉब्स में मत जाइए, रेलवे, एसएससी, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, एक वैकेंसी के ऊपर करोड़ों करोड़ों फॉर्म यहाँ पे भर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन अगर आप वहीं पर नेट की बात करते हो तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही कम है, और आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपसे है, क्योंकि आपके पास एक कट ऑफ है, उस कट ऑफ को आप क्लियर कर जाते हो तो आपका जेआरएफ और नेट दोनों एक साथ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी कि पीएचडी किनको करनी चाहिए और जॉब्स किनको करनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक ठाक हो, और अगर आपका फ्री माइंड है, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए, एमटेक को पीएचडी करने के लिए आपको मेंटली फ्री होना होगा और किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं चाहिए इन दोनों में, अगर आप अकेडमिक्स में जाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये तभी आप करिए जब आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हो, तभी आप इन करियर ऑप्शंस को यहाँ पे चुनिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना देंगे
कि आपको कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए आफ्टर एमएससी। और अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस चाहिए कि सीएसआईआर नेट के थ्रू क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, पेपर कैसे क्लियर होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ के बारे में आपको अगर जानना है, तो आप हमको प्लीज़ जो भी आपकी क्वेरी है या जिसके ऊपर भी आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो 100% लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू है, कीप लर्निंग है और बाय बाय है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।